क्या हुआ बताइए। कुछ नहीं, सुबह होते ही मेरे भाई की और उस लड़की की जिंदगी खराब हो जाएगी। ये देखने के लिए मुझे जिंदा नहीं रहना चाहिए। अपनी दी हुई जुबान और किया हुआ वादा उन्होंने हमेशा पूरा किया। वो सगे से भी बढ़कर थे। इस रिश्ते से बड़ी है क्या आपकी जात? सेतुपति ने हमारी बेटी से कभी कोई गलत हरकत नहीं की। वो उससे प्यार करती थी, दोनों एक ही घर में साथ में रहते थे। तब भी आप उन दोनों को क्यों नहीं समझ रहे हैं? आपकी जात और आपकी इज्जत बचाने के लिए देवा भाई का सिर भी मांगोगे तो खुशी से दे देंगे वो, और आप उस भले आदमी के साथ धोखा कर रहे हैं। नहीं, ये पाप का काम मत करिए, जाके बचाइए, बचाइए। मीनाक्षी, भला नहीं है। मेरे दिल में कोई और है और शादी किसी और से करके मैं जिंदगी नहीं काट सकती। दे सकती थी, लेकिन मैं वहां मरकर उनकी जुबान को झूठी नहीं कर सकती थी, और मैं यहां मरकर आपको बेइज्जत नहीं कर सकती। पापा, मैं वहां जाकर मरूंगी जहां मुझे कोई रोक नहीं सकता, या उससे अच्छा फिर आप मुझे अपने हाथों से मार डालिए। पापा, अपनी जात और अपनी इज्जत बचा लीजिए। पापा, बचा लीजिए। नमस्ते समझी जी, मेरी बहू कितनी अच्छी है, इनसे आशीर्वाद ले रही है। चलो आओ बैठो। ये देखकर मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं। यहाँ क्या नाटक चल रहा है? तू क्या खड़े खड़े ओवर एक्टिंग कर रहा है? चल। क्या समझी जी, आप भी आंसू बहा रहे हो? एक लौती लड़की है इसलिए इसकी विदाई करने में आपको बहुत दुख हो रहा है क्या? लेकिन चार दिन बाद वापस आपकी लड़की आपके घर आएगी तो फिर आप हंसते हुए वापस उसके घर विदा करोगी। बहू तू चिंता मत कर, मैं सब कुछ ठीक से संभालूंगा। ये कांच की चूड़ियाँ क्यों पहनी है? अपने स्टेटस में ये सब नहीं चलता है। घर में जो सोने की चूड़ियाँ होंगी उसे पहना के भेजिए, जाइए जल्दी। मेरी बेटी को तेरे साथ नहीं भेजूंगी, अगर ले जाने की जबरदस्ती की तो तेरी लाश जाएगी। ये क्या बात है समधी जी, हमेशा वो साइलेंट रहती है और आप ज्यादा बात करते हैं, लेकिन आज तो आप यहाँ पर साइलेंट है और ये ज्यादा बात करी है। व्हाट इज गोइंग ऑन हियर? नंदगोपाल, ये शादी नहीं हो सकती, अपने लड़के के लिए दूसरी लड़की ढूंढ लो। मैं कहाँ जाकर लड़की ढूंढूंगा, कौन देगा मुझे लड़के? पहले से मेरे बेटे को कोई लड़की देता नहीं है और अभी उसे टकला भी बना दिया, अब कौन इसे लड़की देगा? ए प्यारी बहू, तू अपने पिताजी को समझाना। ए, ये क्या ड्रामा है, कितनी बार मुझे टकला कहकर बुलाओगे? पहले से मुंडन करा के इसका सर मार्बल की तरह पॉलिश हो गया है, आप देख के कुछ तो कंसिडर कर दीजिए ना। ए चुप है साले। ए, शादी के घर में चार लोग चारों तरफ से मजाक करते रहेंगे, तुम सीरियस होकर काम बिगाड़ो मत। समझी जी, समधन जी मजाक कर रही थी ना? मजाक नहीं है ये, मैं सच बोल रहा हूँ, ये शादी कभी नहीं होगी। क्या कहा, शादी नहीं होगी? अरे पागल की तरह बात कर रहे हो क्या?
शादी का इनविटेशन सबके पास पहुंच चुका है और अभी कह रहे हो कि शादी नहीं होगी, सब वापस चले जाओ ऐसा कहेंगे तो कैसा लगेगा? सुनो, आप अपनी बात में बदलाव ला सकते हो लेकिन मेरी इज्जत का क्या होगा? एक बात याद रखना, जो बात तय हुई है वही बात होकर रहेगी। सबको इनविटेशन कट दे देना। समधन जी, अगर आप लड़की को खुद ही भेजे तो बारात आएगी और अगर हम उसे उठाकर ले गए तो बारात जाएगी। बताइए आप क्या चाहती हैं? अब इनसे बात करने का कोई फायदा नहीं है। देखो ये रोना धोना बंद करो, चल मेरे साथ। मंगलसूत्र पहनाने के बाद तुझे यहाँ से बाहर नहीं जाने दूंगा। ए, छोड़ चल 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 मुझे माफ कर दीजिए, मैंने कुछ भी नहीं किया है। कोयता मुझे दो। ए जी, भाई साहब मुझे माफ कर दो, पैसे की लालच में आकर मैं भी क्यों किया ये सब। भाई साहब मुझे माफ कर दो, पैसे की लालच में आकर मैं भी छोड़कर नहीं जा सकता। देवा, भगवान नहीं चाहिए, सिर्फ सेनाधिपति चाहिए। मेरा सेनाधिपति चाहिए, मेरा सेनाधिपति मुझे चाहिए। देवा, देवा, सिर्फ एक बार मुझे अपना दोस्त कह दो देवा। Oh, my God.
भैया, क्या हो गया भैया? भैया मैंने आपको मार दिया भैया, अच्छा भाग गया। मुझे क्षमा कर दो, इससे पहले अपनी बेटी को तुम्हारी बेटी समझकर सौंपा था, अब मैं आपके घर की बहू समझकर सौंप रहा हूँ, माना मत करना, मत करना। मैं मरने से पहले अपने भाई की शादी देखना चाहता हूँ।